कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री बालमुकुंद शाह जी, श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी और श्री रवि भट्टी और चाईबासा जिला के अध्यक्ष श्री मनीष राम जी और सांसद बीजेपी के सीनियर लीडर और झारखंड सरकार में रहे पदाधिकारी श्री जीवी कोविंद जी, जिला संयोजक हर्ष रावानी जी और कार्यक्रम प्रभारी हेमंत केसरी जी और चाईबासा से जुड़े हुए तमाम नेता और कार्यकर्ता और भाइयों और प्रेम के साथियों, आज आप सब लोगों से अपनी बात को रखने का मौका मिला है क्योंकि तो हमारी इच्छा तो ये थी तो उस समय विधानसभा सत्र समाप्त हो और उसके बाद झारखंड के हम सभी जिलों में दौरा करेंगे, लेकिन देश और दुनिया में जिस प्रकार से जो आपदा आई कोरोना की, कोविड 19, पूरी दुनिया को एक प्रकार से पैराइज कर और फिर आना जाना सब कुछ बंद हो गया। तब इस कारण से ही हमारा जाना कहीं संभव नहीं हो पाया। जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम रांची से बाहर निकले नहीं और हमारे ही पूरे देश के सभी नेताओं के साथ यही स्थिति है, लेकिन पार्टी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हम सब लोग जहां कहीं भी हैं वहीं से अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम सब लोग जुड़े, कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बातों को हम लोग साझा कर सके। क्योंकि और जो तकनीक है उस तकनीक का हम सबको उपयोग करना चाहिए और इसी के निमित्त ही पार्टी ने जो तय किया केंद्र की ओर से, फिर प्रदेश की ओर से भी पार्टी ने तय किया कि हमें जिला ही नहीं बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के साथ अपने समर्थकों के साथ बात करनी है, अपनी बात को वहां तक पहुंचानी है ताकि अपनी जो कार्यकर्ता है फिर उन बातों को लेकर के गांव में जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे डोर टू डोर। लेकिन हमें उस बात को भी ध्यान रखना कि इस वक्त तो कोरोना का काल है, लॉकडाउन है, तो हमें भीड़ बना करके नहीं जाना, दो की संख्या में और प्रत्येक परिवार से संपर्क करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक पत्रक है, उस पत्रक को हमें पहुंचाना और उस पत्रक के साथ साथ पार्टी की ओर से भी, झारखंड पुलिस की ओर से भी थोड़ा सा पत्रक है, उसको भी हमें पहुंचाना कि हमें इस कोरोना के इस लॉकडाउन के समय हम किस प्रकार से अपने को भी सुरक्षित रखें, परिवार को भी सुरक्षित रखें, समाज को भी सुरक्षित रखें, उस पर हमें हिदायत दी गई है, उन सारे सावधानी को हमें बरतनी है क्योंकि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, अनलॉक जरूर हुआ, कई चीजों की रियायतें दी गई है। आप सब लोगों के ध्यान में आए कि जिस प्रकार से बाहर से बड़ी तादाद में जब अपने भाई बंधु जो बाहर काम कर रहे थे वो लौटे तो लगातार कोरोना पॉजिटिव के पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही, तो हमें चिंता तो नहीं लेकिन सतर्क हमें जरूर रहना होगा, सावधान रहना होगा। बाहर से भी आए हैं उनके अंदर में भी कोई अगर इस प्रकार के लक्षण हो या थोड़ी सी भी शंका हो तो उनकी जांच जरूर करानी चाहिए,
आने के बाद भी थोड़े वो घर में ही रहे, क्वारंटाइन रहे, यानी बहुत कुछ इधर उधर अनावश्यक रूप से घूमे नहीं, और अपने से को भी बिना काम कर उन्हें ऐसे हम सब लोग नहीं घूमे। और काम से भी हम जाते हैं तो हमने वो दो गज की दूरी है उसको तो बनाए रखना, फिर मास्क भी लगा के रखना, फेस कवर रखना, घर में सैनिटाइजर नहीं तो साबुन का हम सब लोग उपयोग करें, उससे बार बार हाथ की हम लोग सफाई करें, उसको साफ करें, ताकि इस महामारी से हम सब लोग लोगों को बचा सके, खुद को बचा सके। इस काम को हम सब लोगों को करना है। अगर हम सब लोग इस काम को नहीं करते तो फिर मुश्किल की मुश्किलें पे भी आ सकती, इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता समर्थक जो आप सब लोग जुड़े हैं, आप सब लोगों से भी मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, इन बातों की हमें ध्यान रखना होगा, सावधानी हम सब लोगों को बरतनी होगी। तो कहते हैं ना कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे नहीं बरतेंगे तो कभी भी इस बीमारी के चपेट में अपने परिवार या समाज को भी हम साथ रखने खतरे। इसलिए हम कोई वैसा काम नहीं करें, हम सब लोग कोई वैसा काम नहीं करें कि हम लोगों के कारण और ये बीमारी आगे बढ़े, बल्कि हम लोग वैसा प्रयास करें, हम लोगों के प्रयास से इस बीमारी आगे बढ़ने से हम लोगों ने रोक दिया। और इसलिए कार्यकर्ताओं से भी हमारा निवेदन है कि आप जो एक वर्ष की उपलब्धि को लेकर के प्रधानमंत्री के पत्र को लेकर के आप लोगों से मिलेंगे, घरों में जाएंगे, तो वहां भी अब इन बातों को जरूर आप लोगों को बताएंगे। और मैं समझता हूं कि जो भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, देश की जनता उसको माने, क्षेत्र की जनता उसको माने। आपने देखा कि इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की जब घोषणा की तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि देश की जनता को मोदी जी के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। उन्होंने ताली बजाने के किया, ताली बजाने के लिए किया, तो देश की जनता ने उन कोरोना से लड़ने वाले जो योद्धा है उनके हौसला को अफजाई के लिए लोगों ने इस काम को दीप को जलाया, एकजुटता दिखाया। दुनिया ने देखा कि भारत इस कोरोना से लड़ने के लिए देश की जनता मोदी जी के साथ खड़े है, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े है, और दुनिया में इसकी बड़ी प्रशंसा, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, जनसंख्या बड़ी है, अनेक राज्यों में अनेक अलग अलग पार्टियों की सरकार है, और उसके बाद भी इस देश की जनता ने मोदी जी के साथ दिया और खड़े हुए, तो दुनिया ने मोदी जी के नेतृत्व पर आस्था। और इसलिए हमने कहा कि हम सब जनताओं की ओर जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, तो हमें इन बातों को जरूर बताना चाहिए लोगों को, ताकि लोग इस चीज को समझ सके। और साथ ही मैं आप सब लोगों से थोड़ी साझा कर रहा हूं कि झारखंड में किस प्रकार से अपने कार्यकर्ता ने कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय जरूरतमंद लोगों के बीच में अनाज का वितरण किया, भोजन का वितरण किया, ताकि कोई लोग तकलीफ में नहीं रहे, जोखिम में डाल करके अपने आप को जोखिम में डाल करके लोगों ने इस काम को किया। ये बड़ा उदाहरण झारखंड में 24 मार्च 31 मार्च तक 12 लाख से अधिक भोजन के पैकेट लोगों के बीच में लोगों को उपलब्ध कराएंगे, और इतना ही नहीं 27 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को राशन भी उपलब्ध कराएंगे। और यहां तक कि जब देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि पीएम केयर फंड में पैसे देना, ताकि इस कोरोना के संकट में जो काम किया जा सके, और पार्टी की ओर से 40,000 अपने कार्यकर्ता समर्थकों ने पीएम केयर फंड में सहयोग किया, 5 करोड़ के करीब करीब पैसे पीएम केयर फंड में भी लोगों ने यहां से दिए। ये छोटा मोटा काम, ये सारी चीजें नहीं है, बड़ी काम है,
फिर जब लोग बहुत दिनों तक लॉकडाउन हो गया, बाहर में अपने भाई बंधु जो काम कर रहे थे अपने घर को जाने के लिए बेकाम थे, सरकार की राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो मांग करते रहे कि आप स्थिर से रहे, आपके लाने की हम सब लोग व्यवस्था करें, लेकिन लोगों का जो शब्द था वो टूट रहा था, लोग पैदल ही चल, तकलीफ में भी लोगों ने चल दिया, दूर दूर तक 1,000-2,000 किलोमीटर लोगों ने, कोई साइकिल से चला, मोटरसाइकिल से चला, बस से चले, ट्रक से चला, लोग कठिनाइयों को देखते हुए पार्टी की ओर से ये घोषणा की गई कि हाईवे में भी जो सड़क पर लोग चल रहे हैं उनकी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए भी हाईवे में भी भोजन पानी की कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की, उनके पैर में चप्पल नहीं थे तो चप्पल भी लोगों ने उपलब्ध कराया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इस कोरोना के काल में जिस प्रकार से समाज की सेवा का काम किया है वो अद्भुत, और मैं कह सकता हूं कि अगर पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश में और इस प्रदेश में भी जिस प्रकार से सेवा का काम किया है, शायद ही कोई दूसरे लोगों ने इतना अधिक तादाद में सेवा का कोई काम किया। और मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता इस बात को भी चरितार्थ किया है कि हम सिर्फ राजनीति चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते, एमएलए एमपी बनने के लिए मात्र सिर्फ राजनीति नहीं करते, जब कोई राजनीति हम करते हैं तो समाज की सेवा के लिए करते, राजनीति समाज की सेवा का एक माध्यम हमारे लिए, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको चरितार्थ किया और बढ़ चढ़ करके समाज की सेवा में लोगों ने हिस्सा लिया। इसलिए हम तमाम कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते कि आप सबने जिस प्रकार से इस काम को अंजाम दिया और हमें विश्वास है आगे भी इस प्रकार की जो संकट होगी तो आप इस काम को जरूर करें और करते रहना। अभी भी कोरोना समाप्त नहीं हुआ, यह संकट अभी भी, यह संकट, और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मैं आप सबों से यही अपील करता हूं आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को आप सब लोग करते रहे ताकि हम समाज के विश्वास को जीत सके और साथ ही समाज के लिए हम सब लोग काम करते हैं। चुनाव में हार और जीत तो होता है, लेकिन अपना उद्देश्य सिर्फ हार और जीत का ही नहीं होता है, अपना तो राजनीति तो समाज सेवा का एक माध्यम है, और इसलिए हम सब लोगों समाज सेवा में कहीं को पीछे नहीं रहे, ये मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, फिर से विनती कर रहा हूं। और अभी पिछले जो 30 मई कोई केंद्र सरकार की बोलेगी का दूसरा कालखंड 1 साल पूरा हो गया, 1 वर्षों की अगर उपलब्धि को देखे तो मैं समझता हूं कि 1 वर्षों की उपलब्धि ऐसी नहीं, क्योंकि पिछले 2014 में जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उसके बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए काम किया, यानी 34 करोड़ से भी अधिक लोगों को बैंकों से जोड़े, खाता होकर खुलवाए, उस समय लोग मजाक कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे कि क्या होगा, तो ये अपने आप में बहुत अंतर करते हैं कि वास्तव में कोई काम ऐसे होता है जब शायद भविष्य की कोई इस प्रकार की संभावनाएं होती है, अपने आप में कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रेरणा से लोगों को काम कराते, और उस समय इतने लोगों का खाता खुला, उस समय लग रहा था कि इस खाता का क्या काम होने वाला है, लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ तो उस जन धन खाते में उन जरूरतमंद लोगों के खाते में देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधा वहां से पैसे भेज दिए और खातों, आज बड़ी तादाद में जो जरूरतमंद लोग थे उनके खातों में पैसे भी पहुंचे ताकि उस तकलीफ के समय उनकी कठिनाइयों के समय उसके काम आए। पहले देश के पहले सरकार जो होती थी प्रतिनिधि जो केंद्र से पैसे भेजते हैं वो पैसा वहां तक पहुंचता नहीं है, घिसते घिसते वो पैसे पतले हो जाते हैं, 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा 20 पैसा ही पहुंच पाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर रखी थी
कि जितनी भी पैसा वहां भेजे उतना पैसा सीधा सीधा गरीबों के खाते में पहुंच गया। इसलिए ये बड़ा काम। उस समय लोगों को बैंकों से जोड़े, खाता से जोड़ा, 9 करोड़ से अधिक एलपीजी जो सिलेंडर गरीबों को दिया गया, उजाला योजना के नाम। और इस समय तो उन गरीबों के लिए 3-3 के सिलेंडर फ्री में इस पर लोगों को उपलब्ध करा दी गई। तो आज ये जो संकट की घड़ी है, ये लोगों के काम आ रहा है। फिर कई गांव में उस वक्त बिजली पहुंचे नहीं थी, तो भी 5 वर्षों के अंदर 18,000 से अधिक गांव में बिजली पहुंचा दी। ऐतिहासिक काम। इस प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए भी, देश की सीमा को कैसे हम सुरक्षित करें। पहले इस देश के अंदर में बड़े बड़े आतंकवादी हमले होते, हम सिर्फ यहाँ 1-2 दिन बयान दे करके और कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने, पिछले कालखंड याद करिए, पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हमला, हमारे सिपाही मारे गए, सैनिक मारे गए, हमारे जवान मारे गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुपचाप रहे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, यानी रातों रात सीधे पाकिस्तान के जहां पर आतंकवादियों का कैंप था, वहां पर उन्होंने बम किया। ये कोई सामान्य घटना नहीं, भी दुनिया को बता दिए कि भी हम सरहद की हिफाजत में हम कहीं पीछे नहीं हटे। अगर हमारे सरहद हमारे देश में आकर के हमारे लोगों के ऊपर कोई हमला करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, जवानों के सर को काटेंगे, तो हम सीमा के अंदर घुस करके भी हम मारेंगे। और देश दुनिया ने देख लेगा ये, अगर ये संभव हो पाया तो देश के प्रधानमंत्री के कारण संभव हो पाया, मोदी जी के कारण संभव हो पाया। सैनिकों का पालन से मांगता वन रैंक वन पेंशन की, उस काम को भी उन्होंने पूरा किया। वन नेशन वन टैक्स का जीएसटी भी लागू हुआ। फिर आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों का बीमा भी कराया गया। उसके तहत प्रत्येक लोग अगर वो गरीब बीमार हो तो 5 लाख रुपये तक उनको सहायता मिलेगी, उनकी इलाज होगी। और उसके तहत पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने उसका लाभ भी उठा चुका, तो यह ऐतिहासिक काम है। इस प्रकार से उन्होंने काम किया। फिर स्वच्छता अभियान, करोड़ों शौचालय बनाकर के मां बहनों को उन्होंने सम्मान के साथ जीने का हक दिया। तो इस प्रकार के अनेकों काम जब 2014 से 2019 के बीच में देश के प्रधानमंत्री जी ने जब किया इस देश के लिए, तो जनता को इसके प्रधानमंत्री के ऊपर और भरोसा मजबूत, और उनके ऊपर जो विश्वास था और बढ़ा। और उसका परिणाम था कि 2019 में फिर से 2014 से कहीं अधिक सीटें लाकर के फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। भारत के इतिहास में यह पहली दफा ऐसा हुआ है जो सबसे अधिक फिर से सीटें लाकर के गए कांग्रेसी फिर से देश के प्रधानमंत्री। यह अपने आप में अद्भुत था, और इसलिए हमने इसको थोड़ी आपके सामने रखा इन विषयों को, क्योंकि अचानक कोई 14 के काम करने के बाद फिर से सत्ता में आना, ये बड़ी बात होगी। यानी उसके कामों के आधार पर और काम करके होने। और जब 2019 में केंद्र में सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तो इन्होंने क्या काम किया जो देश के बड़ा ऐतिहासिक काम, जिसके लोग जिसको लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जो इसको आंदोलन चल रहा था कि जम्मू कश्मीर से 370 को समाप्त, जम्मू कश्मीर की हालत क्या थी जब देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर भी भारत में मिले, लेकिन उस समय वहां पर प्रधानमंत्री का, उस समय जम्मू कश्मीर जाने के लिए भी परमिट लगता, और समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा भाई एक देश में परमिट लेकर के हम कैसे जाए। और उसके उन्होंने विरोध, फिर एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे चले, उसका भी उन्होंने विरोध किया।
बाकी 370 को भी समाप्त कर दीजिए, बाकी सारे चीजें हम एक निशान एक जिला एक प्रधान होना चाहिए। लेकिन वहां अलग भारत के कानून 370 के कारण वहां लागू नहीं होता, 35A के कारण लागू नहीं होता। और जब दोबारा सरकार तो 370 को उन्होंने समाप्त कर दी, 35A को समाप्त कर दी, लद्दाख को उन्होंने केंद्र शासित राज्य घोषित। आज जो लोग ये इतना टिप्पणी करते थे, खिल्ली उड़ा देते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, घोषणा किया था 370, वादा किया था कब समाप्त कर दे, क्यों नहीं समाप्त कर दे, तो लोग कहते थे कर नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं हो पाएगा। लेकिन मोदी जी ने उस काम को कर दिखाया, तो भारतीय जनसंघ के काल से भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा में इस मार्ग को लेकर के पार्टी लगातार संघर्ष कर रहे थे। अब उस संघर्ष को उन्होंने विराम दिया, 370 समाप्त, अब पूरा भारत पूरा देश अब एक। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक निर्णय, इस प्रकार के निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब याद करिए जब देश स्वतंत्र हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 370 की धारा के बारे में कहा था घिसते घिसते ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन घिसते घिसते समाप्त हुआ नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। उसको छूने में लोग डर रहे थे, उसके बारे में बोलने में लोग डर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने उस काम को कर दिखाया, उसको पूरा किया। काम क्या, जब देश आजाद हुआ तो उसी के साथ में पाकिस्तान बना, देश का विभाजन हुआ, और वहां पर बड़ी तादाद में हिंदू रहते थे, बौद्ध रहते थे, सिख रहते थे, जैन रहते थे, पारसी रहते थे, ईसाई रहते थे। लेकिन वहां आर्मी डिस्ट्रिक्ट होने के कारण तरह तरह के लोगों को पकड़ना दी गई, और वहां से लोग भाग करके बड़ी संख्या में भारतवर्ष में लोग शरण दिए। लेकिन उन्हें यहां की नागरिकता नहीं थी, वो शरणार्थी बन करके रह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रहे थे जब इस देश में हमारी सरकार बनेगी, जिनको धार्मिक कारणों से प्रताड़ित होकर के वहां से यहां आए हैं, उनको हम देश की भारत की नागरिकता उनको दिलाए। और जो भी पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, उन सारे लोगों को नागरिकता देने के काम को इन्होंने पूरा किया। और नागरिकता के संशोधन विधेयक जब पार्लियामेंट से पारित हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उसका विरोध, अब की देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से लेकर के सर्वोच्च ने कहा, बोलकर भाई किसी की नागरिकता लेने की नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए कानून है। लेकिन तब भी लोग विरोध करे, झारखंड में भी विरोध हुआ, दिल्ली में सब जगह, अरे पोलिटिशियन के लोग उसको ऐसे हवा देने लगे मानो लगता है किसी की नागरिकता छीना जा रहा है। लेकिन देश की जनता ने उसको साथ नहीं दिया, तो ये ऐतिहासिक निर्णय था कि हम उन लोगों को जो वर्षों से भारत में आकर के शरणार्थी बन गए, बेचारे उन हिंदुओं के लिए तो कहीं कोई और जगह नहीं है जहां उनको नागरिकता मिलता, बाकी के लिए तो बहुत सारे दुनिया में देश। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जब सरकार बनी दोबारा मोदी जी के नेतृत्व में, तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस काम को भी पूरा। और उसके साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर का मामला, अब याद करिए वर्षों से संघर्ष चल रहा कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने जहां पर, लेकिन उसकी कोई फैसला नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बार बार लोग कमेंट भी करते थे, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बता रहे, मजाक लोग करते थे, फिर बन नहीं पा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात को कहती कि या तो आपसी बातचीत से मामला का निष्पादन कर दिया जाए या फिर अदालत की फैसला से। और अपनी खुशी है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने सर्वसम्मति से राम मंदिर बनाने का जो रास्ता उसको साफ कर, और अब वहां राम मंदिर बनाने का काम एक प्रकार से प्रक्रिया सब कुछ शुरू हो गया।
तो ये वर्षों से लंबित काम में पड़ा हुआ था, जिस पर कोई डरते थे, कोई हाथ नहीं लगाते थे, बोलने में भी हिचकी जाते थे, लेकिन उस काम को भी उन्होंने कर दिया। ये मामला तीन तलाक का, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने का, पहले भी एक मामला आया। सबको याद है कि जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट में साहबानों का मामला आया हुआ था, और साहबानों के मामला के बाद राजीव गांधी चाहते थे कि पार्लियामेंट से बिल पारित हो, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने उस वक्त विरोध किया था, फिर उनको भी कदम पीछे करना पड़ा। आज जितने मोदी जी के पास बहुमत है, उससे कहीं अधिक बहुमत था उनके पास, लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन मोदी जी की जब दूसरी बार सरकार बनी 2019 में, और एक वर्ष के अंदर में इस काम को भी कर दिया, यह ऐतिहासिक काम था, ऐतिहासिक निर्णय था। त्रिपुरा की समस्या हो, बोडो की समस्या हो, इन सारी समस्याओं का भी उन्होंने समाधान, और इतना ही नहीं, किसानों को भी खाते में पैसा भेजने का काम, यानी ये जो कोविड के कारण से जो लॉकडाउन हुआ, उससे जो उद्योग धंधे गरीबों की जो हालत खराब हुई, उसको कैसे सुधारा जाए, उसके लिए अनेक योजना सरकार ने चलाई। जिससे हमने कहा कि वे जनधन योजना के जनधन खाते में पैसा भेजना, सीधा किसानों के खाते में पैसा भेजना, गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपया की पैकेज की घोषणा ही करना, इस प्रकार से 20,00,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा करना, और 3,00,000 करोड़ जो लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, इन सारे उद्योग कैसे अपने आप में सर्वाइव कर सके, और फिर से उद्योग जगत कैसे उठ खड़ा हो, लोगों को कैसे रोजगार मिले, उसके लिए सरकार ने जितना कुछ किया, जो लोग सोच भी नहीं सकते। हमसे तो हमारे साथ बहुत से व्यवसायी वर्ग के लोग मिलते रहते, उन लोगों से पूछते थे कि क्या है, तो लोग बता रहे थे जब पैकेज की घोषणा नहीं हुई तो लोग बड़ी चिंतित थे, कैसे होगा, हम सब लोग कैसे उठ खड़े होंगे। लेकिन जब उन्होंने पैकेज की घोषणा की, और अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग उन्होंने पैकेज की घोषणा कर दी, तब लोग आकर के मिल करके बताने लगे कि अब हमें चिंता नहीं, अब हम सब लोग उठ खड़े होंगे, रोजगार का अवसर खुलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है, दुनिया में इससे बड़ी बहुत है कि भाई ऐसे काम को भी इस देश की सरकार करेगी, किसी ने सोचा तक नहीं। और इतना ही नहीं, मजदूरों को भी लाने का काम किया, 25 दिनों में 3,840 ऐसी विशेष ट्रेनों को चला करके 52,00,000 से भी अधिक लोगों को, मजदूरों को अपने स्टेट तक पहुंचा। ये कोई साधारण काम नहीं है, तब भी बहुत लोगों को कष्ट हुआ, बहुत लोगों को तकलीफ हुआ, स्वाभाविक है। इसलिए मैंने कहा कि जिस प्रकार से इस समय देश की सरकार ने इन एक वर्षों के अंदर इस कोविड के कालखंड में भी जो देश की सरकार ने जो काम किया वो अद्भुत है, वो किसी से छुपा हुआ है। निश्चित रूप से हम सब लोग उम्मीद करते थे कि इस प्रदेश में भी सरकार वैसे ही काम करेगी, लेकिन सरकार यहां तो बार बार रोते ही गए कि केंद्र हमें सहयोग नहीं कर रही। भाई केंद्र तो जितना सहयोग कर सकती है, जितना कर रही है, मुझे लगता है उसका भी ठीक प्रकार से राज्य सरकार उपयोग नहीं कर रही। भाई आज इस प्रदेश के अंदर में जो भी बाहर से जो मजदूर आए, उनका ठीक से क्वारंटाइन नहीं हो रहा है, उनका ठीक से देखभाल नहीं हो रहा है, क्वारंटाइन सेंटर में जगह जगह से शिकायतें आती है, खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है, वहां अव्यवस्था की स्थिति है, और जांच में भी बहुत सुस्त आ रही है। अपने घर को जो बाहर में काम कर रहे, हमने कई दफा सरकार से कहा कि भाई हमारे बहुत सारे लोग वहां बाहर में रहते हैं, परेशान है, वो अगर वहां से भाग के नहीं आते, अगर सरकार ने समय रहते
उनकी मदद के लिए अगर कुछ नहीं किए होते तो कोई लोग आगे नहीं आ। हमने सरकार को सुझाव भी दिया था कि आप कुछ मत करें, आप जो भी प्रमुख शहर है जैसे मुंबई है, दिल्ली है, पुणे है, हैदराबाद है, सूरत है, जहां पर बड़ी तादाद में झारखंड के लोग रह रहे हैं और भी केरल है, तमिलनाडु है, जगह भी अपॉइंटेड है, सरकार के पास सूचना थी कि कहां से कहां पर लोग रह रहे हैं, लोगों ने ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराया था, फिर अपने अपने जन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी लोगों ने मोबाइल से, टेलीफोन से, एसएमएस से सूचनाएं दी थी, व्हाट्सएप से, तो सरकार के पास सारी सूचनाएं एकत्र हो गई। हमने कहा कि लोग आगे के लिए वहां से उनको हमें समझाना, उनके लिए करना क्या था। हमने सरकार से कहा था कि आप यहां से हवाई जहाज में कुछ अफसरों को भेज दीजिए, उन 10-12 जगहों पर लोगों को उतार दीजिए और वहां के लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के सहयोग लेकर के कोई भी लोग वहां से भागेंगे नहीं, परेशानी नहीं होंगे, वही भोजन पानी उनको उपलब्ध करा दिया जाता। तो आज ये लोग पैदल जाने के लिए लोग परेशान नहीं, लेकिन सरकार ने कुछ भी काम नहीं दिखा दिया कि यहां के प्रभारी लोग देख रहे, वहां के लोग करोड़ों अफसर है, कोई टेलीफोन उठा नहीं रहे। अब इस कारण से मजदूरों का जो विश्वास था वो धर्म था, वो खो चुके लोग, और फिर वो पैदल चल के अपने धर्म से लोग वहां से चलना शुरू। तो सरकार चाहती तो इस समय उन मजदूरों के लिए यह भी नहीं समझा। हमने तो सरकार को यहां तक कहा कि जो मजदूर बाहर में काम करते हैं, चाहे वो 10 लाख हो चाहे वो 12 लाख, उनका भी योगदान इस राज्य के विकास में, क्योंकि बाहर में जो काम करते हैं प्रत्येक महीना 5 से 10 हजार रुपए तो अपने परिवारों को भेजते हैं और फिर परिवार झारखंड में वो अपने यहां उपयोग करते हैं। तो हमारे इस राज्य के विकास में उन मजदूरों का भी योगदान रहा, लेकिन सरकार को उसकी कहां चिंता है। इसलिए उसने कहा कि आज जो लोगों ने तकलीफ उठा तो स्वराज सरकार की गलती के कारण, इनकी जो ना समझी के कारण, अगर सरकार की बातों को समझती तो मजदूरों को बढ़िया से वहीं रहते, वहीं कोई परेशानी नहीं हो। और इसलिए हमने कहा कि आने के बाद आप तो एक नई समस्या, अब उतनी बड़ी आबादी को कैसे काम दे। सरकार एक और कहती है मनरेगा, केंद्र सरकार ने मनरेगा में काफी सहयोग किया, जहां 60,000 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान था और 40,000 करोड़ रुपए की और अतिरिक्त पैकेज देकर के अब पूरे दिन 1 लाख करोड़ की उन्होंने पैकेज दिया है मनरेगा। लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग गांव से आते, सबके सब लोग मनरेगा में काम दिया भी नहीं जा सकता, सबके सब लोग मनरेगा में ही काम करेंगे ये भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमें अन्य क्षेत्रों को भी हमें तलाशना, अन्य लोगों में रोजगार कैसे मिले उसके बारे में भी सरकार को चिंता करनी पड़ेगी। हम सरकार को याद दिलाना चाहते आप उन क्षेत्रों में, खास करके चाईबासा का क्षेत्र, उस क्षेत्र में आयरनों है, वहां पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उस पैसे को उस क्षेत्र के विकास में लगाने की जरूरत है। लेकिन सरकार उस पैसे को खजाना में रखे, वहां से पैसे को इधर उधर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उस पैसे को उस क्षेत्र के विकास में लगाना चाहिए। और उतना ही नहीं कि हम तो कहते हैं छोटे मोटे उद्योग तभी लगेंगे जब यहाँ आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगी, उसमें से महत्वपूर्ण कड़ी है बिजली की। आज तो कुछ ना कुछ सड़कें तो है, पुल पुलिया बनी है, तो आने जाने की सुविधाएं कुछ पैदा हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ बहुत अधिक दिक्कतें आज के तारीख में नहीं है, लेकिन बिजली की समस्या, बिना बिजली के आज के तारीख में विकास की हम सोच भी नहीं सकते। आज गांव में बिजली नहीं रहती है, 24 घंटा बिजली नहीं रहती, फिर कैसे उद्योग धंधा लगेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैं तो राज्य सरकार से बार बार ये निवेदन करता हूँ, अगर झारखंड में रोजगार के अवसर अगर पैदा करना चाहते, खेती को ठीक करना चाहते, सिंचाई को ठीक करना चाहते, तो आप एक काम सरकार को करना चाहिए, वो बिजली को ठीक करना चाहिए, बिजली के संचालन वितरण की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। आज जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक ये उद्योग धंधे नहीं लग सकते। और भारत सरकार ने उसके लिए ढेर सारे पैकेज की घोषणा कर रखी है, सरकार को उसका
उपयोग करना चाहिए, उसका लेना चाहिए सरकार को, अपनी योजना बनानी चाहिए। और सरकार के खजाना में भी पैसे की कमी नहीं है। दो दिन पहले मैंने अखबार में देखा, राज्य के विभिन्न बैंकों में अलग अलग खातों में 20,000 करोड़ रुपया कहीं पड़ा हुआ है। भाई वो पैसे को इकट्ठा करके, एकत्र करके, और इस एक काम को आप करें, संचालन की बिजली की व्यवस्था को ठीक करें, तो सिंचाई के लिए भी बिजली की जरूरत, अनाज के उत्पादन करेंगे अगर उसका भी रख रखा होगी, कोल्ड स्टोरेज बनेगा तो उसके लिए भी बिजली की जरूरत, और फिर छोटे मोटे कल कारखाना लगेंगे तो उसके लिए भी बिजली की जरूरत। और इसलिए हमने बार बार सरकार से यही निवेदन करते हैं कि भाई आप इस व्यवस्था को ठीक करो, बाकी सब कुछ चल पड़ेगा। जो लोग हुनर जानते हैं वो हुनर अपने आप काम करेंगे, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप तो जो वो कर नहीं सकते वो काम आपको कर रहा है। लेकिन सरकार को इसकी कहां चिंता है, सरकार को उस दिशा में कहीं कुछ सोचती नहीं, विचार नहीं करती। और इसलिए हमने कहा कि आज जरूरत है कि अपने राज्य में एक एक परिवारों में भी जाकर के अपनी बातों को रखना, उनको बताना, और फिर सरकार को हम सब लोग मजबूर करें। ये सरकार को ये काम करना होगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें। और इसलिए पार्टी की ओर से ये जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है कि हमें डोर टू डोर जाकर के एक एक लोगों से हमें कांटेक्ट करना, संपर्क करना, और पार्टी के कार्यक्रमों को वहां तक पहुंचाना, तो मुझे लगता है कि इस काम को हम सब लोग करें तो निश्चित रूप से ये हमारी ताकत होगी, हम मजबूत होंगे तो सरकार भी काम करने के लिए मजबूत होगी। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। और आखिरी में मैं फिर से यही कहूंगा कि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस बात की ओर बहुत ही उन्होंने जोर दिया है, वो स्वदेशी पर उन्होंने जोर दिया, स्वावलंबन पर जोर दिया, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। कल भी देख रहे थे कलकत्ता वो चैंबर को उन्होंने संबोधित कर रहे थे, और उस पर उन्होंने इस बात को ही कहा, यार हमें आपने पैरों पर खड़ा होना, उद्योग जगत से भी आह्वान किया, हम आप सब लोगों से भी यही कहेंगे कि भी हम जब तक अपने देश में बने हुए वस्तुओं को हम खरीदेंगे नहीं, उसको बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हो सकता है थोड़ी हमें चमक नमक कम मिले, लेकिन अपना तो अपना होता है, उसको हमें आप, क्योंकि इस कोरोना के कालखंड में, इस लॉकडाउन के कालखंड में हम सब लोगों को यह सिखा दिया है कि जो अपना था, जो लोकल था, वही हम सब लोगों को बचाए, तो उसको हमको ठीक करना हो। और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों से यही मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी को हम आगे बढ़ाएंगे, तभी अपना देश स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। तो मुझे लगता है कि इन बातों को आप सब लोग ध्यान रखें, और आप सब लोगों ने हमारी बातों को सुना है, उसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अपनी ओर से आप सब लोगों को मैं जोहार करता हूं। और अंत में हम सब लोग एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय।